एवरीवन, वेलकम टू अनुराज फैमिली किचन। आज मैं बनाऊंगी करेले की सब्जी। करेले की सब्जी जल्दी किसी को नहीं पसंद आती क्योंकि वो कड़वी लगती है, लेकिन मैं बिल्कुल आपको अलग ही तरीका बताऊंगी जिससे बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। इसे बच्चे भी खा सकते हैं और आप इसे सफ़र में भी आराम से ले जा सकते हैं। और इस तरीके से बनेगी कि यह काफ़ी टाइम तक आप इसे 10 से 15 दिनों तक फ्रिज में अगर स्टोर रखना चाहते हैं, सफ़र के लिए ले जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होगी और बहुत ही बढ़िया ही बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया 1 किलो करेला और इसे अच्छे से पानी से धो लिया है। इसके बाद हम इसके छिलके उतारेंगे। तो करेला भी लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं वही तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने चाकू से करेले को धोने के बाद उसका जो हल्का हल्का ऊपर से, बहुत ज़्यादा हमें नहीं छीलना, बिल्कुल हल्का हल्का इस तरीके से ऊपर का हमें हिस्सा उसका छील देना है ताकि इसकी जो थोड़ी बहुत कड़वाहट है यहीं पर निकल जाए। करेले की सब्ज़ी कड़वी लगती है इसलिए इसे लोग खाना नहीं पसंद करते, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही करेला फ़ायदेमंद होते हैं। यहाँ पर देखिए हमने छील लिया है और इस तरीके से हमने छीला था जैसे कि आप एक करेला देख रहे हैं, और उसके बाद हमने ऐसे छोटे छोटे गोल पीसेस में कर लिया। कटिंग आप अपने मनपसंद अनुसार मोटे पतले लंबाई में कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे गोल पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इनको उबालेंगे। तो आप चाहे तो इन्हें कच्चा भी छोंक सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कि बताया है मैं आपको अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इनको उबाल लेती हूँ क्योंकि करेले का अगर बाइट जो अगर मुंह में आता है इसीलिए बच्चे लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इस तरीके से करेले बनाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि करेले की सब्ज़ी है। तो बस यहाँ पर हम इनको, मैं इसके साथ इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती हूँ और बिल्कुल हल्की से यहाँ पर आप हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। ये बस बिल्कुल थोड़ा सा हमें पानी डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और हमें एक सीटी दे देंगे। एक ही सीटी में हमारे करेले बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे और हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए यह हमारे करेले उबल चुके हैं, यहाँ पर इनको हमने निकाल लिया है और ये बहुत ही अच्छे से गल जाते हैं बिल्कुल। और बस हमने एक्स्ट्रा पानी जो था इसमें निकाल दिया, और उस पानी को भी आप यूज कर सकते हैं, उसे फेंके बिल्कुल नहीं। अब बस इसके साथ अपनी बाकी चीज़ों को भी हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 5 प्याज को अच्छे से लंबा लंबा कट कर लिया है। साथ में हम ले लेते हैं यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्च, यहाँ पर हमने ले ली है। बाकी हम कुछ मसाले ले लेंगे, तो मसाले तैयार कर लेते हैं हम इसके लिए। तो यहाँ पर एक कटोरी ले लेते हैं, उसमें ले लेते हैं हम पहले थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ में हम ले लेते हैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ले लेंगे हम, और इसके साथ फिर यहाँ पर मैं ले लूँगी धनिया पाउडर 2-3 चम्मच भर के ले लूँगी क्योंकि हम करेले 1 किलो हैं। जितना क्वांटिटी आपका करेला हो, यहाँ पर प्याज भी और मसाला आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाल दूँगी गरम मसाला या फिर सब्जी मसाला, और बस पानी डालकर इस मसाले के घोल को अच्छे से तैयार कर लेना ताकि वो थोड़ी देर के लिए फूल जाए। बस हमारी इतनी चीज़ें बनकर तैयार हैं। तो अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी ये तरीके की रेसिपी पसंद आएगी करेले की सब्जी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं चढ़ा देती हूँ कढ़ाई और उसमें डाल दिया है मैंने तेल, और तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा। और इस तरीके वाला करेले की सब्जी आपको बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। इसमें जो 1 से 2 चीज़ें मैं ऐड करूँगी इससे बिल्कुल भी कड़वापन इसका निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा, उसके बाद यहाँ पर जीरे को चटकने के बाद हम इसमें डाल देंगे उसे कटे हुए लहसुन। ये आप बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें या ना डालना चाहें। बाद साथ में मैंने कटी हरी मिर्च डाल दी और बाकी जो हमने कटा हुआ प्याज रखा था उसको भी साथ में डाल दिया है, और हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ करे को उबालने के समय जो एक्स्ट्रा पानी निकला है उसमें काफ़ी कड़वापन करेले का निकल जाता है और हमारा करेले अच्छे से गल जाता है, जिससे कि बाइट मुँह में नहीं आती है, तो करेला खाने में बहुत ही ईजी हो जाता है। यहाँ पर देखिए हमारी प्याज खूब अच्छे से पक गई है, उसके बाद हम डाल देते हैं इसमें घुला हुआ मसाला जो हमने घोल के रखा था, और उसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से पका लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा मसाला भी तेल छोड़ दिया है, अच्छे से हमारा मसाला पक गया है। तो हम इसके बाद अपने इसमें जो हमने करेले को निचोड़ के रखा है उसको भी हम इसमें डाल देंगे मसाले में, और खूब अच्छे से हम इनको मिला लेंगे। अब बस हमें करेलों को खूब अच्छे से भूनना है क्योंकि हमने इन्हें बॉयल किया तो इनमें गीलापन है, तो इनको हम अच्छे से भूनेंगे।
और भूनने पर ही आपको डिपेंड करेगा कि आपके करेला कितने लंबे टाइम तक चलते हैं। इन्हें आप जितना बढ़िया से इन्हें भूनेंगे उतने ही टाइम तक करेले की सब्जी आपके बहुत ही आराम से आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं या 2 से 3 दिनों के लिए आप किसी सफ़र पे जाते हैं तो इन्हें बना लीजिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके आप इसे यूज में ला सकते हैं। यहाँ पर देखिए भूनते भूनते आप देखिए इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है और हमारे करेले भी अच्छे से भून रहे हैं। और इसका कड़वापन कम करने के लिए यहाँ पर मैं 1 से 2 चीज़ें और ऐड करूँगी। आप चाहे तो इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं या थोड़ा सा सिरका ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो घर में आप वो चीज़ को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम साथ में करेले को भूनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब, यहाँ पर मैंने आम का, ये घर का आम का बना अचार है, उसका मसाला ले लिया है और उसको चम्मच से खूब अच्छे से मैश कर दिया है और इसको मैं डाल दूँगी। तो इससे कि कड़वापन भी कम हो जाता है, इससे थोड़ा सा खट्टापन आता है और इससे अचार का मसाला है तो सब्जी में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसको भी अगर आप डालेंगे ना अचार के मसाले को तो सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। आप चाहें तो इसमें आमचूर का पाउडर, सिरका डाल सकते हैं, यहाँ पर जो आप डालना चाहें उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए भूनते भूनते सब्जी का कलर कितना चेंज हो गया है पहले से, ये काफ़ी हद तक हमारी सब्जी भून चुकी है। यहाँ पर इसमें मैंने पहले भी नमक डाला था बॉईल करते समय, बाद में आप उसमें स्वाद अनुसार ऐड कर दीजिए जितना भी नमक पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं उसको भी डाल दूँगी और बस हमें और अच्छे से भूनते जाना है, बिल्कुल इसे ड्राई कर लेना है। देखिए यहाँ पर काफ़ी हद तक ये ड्राई हो गया है और बिल्कुल मैश भी हो गया है, जिससे कि बच्चे भी अगर खाएंगे तो उन्हें ज़्यादा नहीं पता चलेगा कि करेले की सब्जी है और ये खाने में कड़वी भी नहीं लगेगी। तो बस हम इसे भूनते जाना है और जब खूब अच्छे से भून जाएगी, सुनहरे बिल्कुल कलर की हो जाएगी, तो हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आप करेला बनाएंगे ना तो बड़े से बच्चों तक सभी बहुत ही आसानी से खा लेंगे और आप इसे स्टोर करके 1 से 2 हफ्ते के लिए आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पर बस हमारी करेले की सब्जी बनकर तैयार होने वाली है, बस हम इसे थोड़ी देर और भूनेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। और ये देखने में भी अच्छी लग रही, काफ़ी कलर भी चेंज हो गया और खाने में बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी। और करेला हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो करेले की हमें सब्जी ज़रूर खानी चाहिए। आप चाहे तो करेले का भरवा करेला बना सकते हैं या फिर इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इस तरीके से देखिए बस हमारा करेला बनकर अब पूरी तरीके से रेडी हो गया, हमारी सब्जी पूरी बनकर तैयार हो गई है। तो बस इसी तरह के बहुत ही आसान और अलग तरह की रेसिपी लाती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। यस।